बिजली के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं, सिर्फ रोशनी ही नहीं, हमारे जीवन को बेहद ही आरामदायक और उपयोगी बना दिया है बिजली ने। आज दुनिया बेहद पावरफुल है और उसकी पावर इसी बिजली की पावर पर चल रही है। भारत का पावर सेक्टर भी तेजी से सुधार की ओर बढ़ रहा है। आज गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है और घर-घर इसे पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। इंडियन पावर सेक्टर की कायाकल्प के लिए एक स्मार्ट प्लान तैयार किया गया है। इसी स्मार्ट प्लान के तहत हर घर और हर कारोबारी संस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस योजना के लिए भारत में 3 साल में तकरीबन 30 करोड़ स्मार्ट मीटर की जरूरत होगी। अब सवाल ये है कि आखिर इन स्मार्ट मीटर्स से होगा क्या? तो ये स्मार्ट मीटर बिजली की चोरी को रोकेगा, जिससे पावर कंपनियों की सेहत सुधरेगी। साथ ही साथ ये बिजली के उपयोग को भी मॉनिटर करेंगे, इससे पावर सेक्टर की क्षमता बढ़ेगी। मौजूदा दौर में बिजली कंपनियों की हालत खराब है। बिजली चोरी रुकने से कंपनियां तो फायदे में आएंगी ही, साथ ही सरप्लस हुई बिजली से उपभोक्ताओं को 24 घंटे सप्लाई भी मिल पाएगी। यही वजह है कि अब भारत का ऊर्जा मंत्रालय स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों को अप्रोच कर रहा है। ये स्मार्ट मीटर देश की दिशा बदलेंगे, इसीलिए सरकार इनके इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है। एक स्मार्ट मीटर पर लगभग 2000 का खर्च आएगा। ऐसे में पूरी योजना के लिए 60,000 करोड़ से ज्यादा की जरूरत होगी। पावर सेक्टर की दिशा बदलेगी तो इसका असर आम आदमी की जिंदगी से लेकर देश के उद्योग जगत तक पड़ेगा।